In this video, I am taking our next compound, baking soda. The common name is baking soda and chemical name sodium bicarbonate. You also learned in last video, in our previous video, that chemical name is derived from its formula. इसका formula है NaHCO3. तो जो केमिकल नेम होता है वो हमेशा इसके फॉर्मूले से ही डिराइव होता है. तो Na में सोडियम, हाइड्रोजन H है इसलिए हाइड्रोजन, CO3 है इसलिए यहाँ पर कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आप इसे इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं और इसका सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है. बाइकार्बोनेट इसलिए कि इसमें बाइकार्बोनेट ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है HCO3. आपने पहले आयन्स पढ़े हुए हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, तो बाइकार्बोनेट जो आयन्स होता है HCO3 है, इसीलिए इसका नाम बाइकार्बोनेट है. नेक्स्ट प्रिपरेशन, इसको सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है. तो सॉल्वे प्रोसेस जो होती है उसमें सॉल्वे एक्चुअल में प्रोसेस का नेम है, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एंड ब्राइन. ब्राइन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन. तो CO2, H2O, अमोनिया एंड NaCl इस तरह से लिया है और इससे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हमारा बेकिंग सोडा बना है और NH4Cl यहाँ पे लिबरेट हुआ है. इस तरह से जो बेकिंग पाउडर हमारा बनता है वो पूरी सॉल्वे प्रोसेस एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें कि प्लांट बनाया जाता है, जिसमें कार्बोनेटिंग टावर और ये सब कुछ लगा हुआ होता है, फिर उसमें ये बनता है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. बिफोर आई टेकिंग द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ आर टेकन इन केक प्रिपरेशन. हम जानते हैं कि दोनों को ही बेकिंग में यूज किया जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. सो हाउ कैन दे डिफर? बेकिंग सोडा इज प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन इट कंबाइंड विथ मॉइस्चर एंड एसिडिक इन्ग्रेडियंट लाइक कर्ड, बटर मिल्क, हनी. इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. Then, under oven temperature, it helped to expand the dough. The reaction began immediately after mixing ingredient. यानी बेकिंग सोडा एक तरह का सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वही बेकिंग सोडा कहलाता है. जैसे इसको इसमें हम जब इसका डो तैयार करते हैं केक का या फिर बिस्किट का, तो उसमें हम कुछ हम एसिडिक इंग्रेडिएंट हमको यूज करना कंपलसरी होता है, क्योंकि एसिडिक इंग्रेडिएंट की प्रेजेंस में ही क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल फॉर्म में निकलती है उसी से ही हमारा केक जो होता है वो फ्लफी बनता है. तो ये जो अपना रिएक्शन देता है ये अंडर ओवन टेम्परेचर पे देता है और ये इसके लिए एसिडिक इंग्रेडिएंट को मिलाना कंपलसरी होता है जब भी हम सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करते हैं. तो देन बेकिंग पाउडर इज अ सब्सटेंस, इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट. यानी इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता है, लेकिन साथ में इसके साथ क्या क्या मिक्स किया होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा इसमें क्या मिक्स होता है? इट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट बट इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द एसिडिफाइंग एजेंट. यानी उसमें हमको क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा में एसिड कुछ न कुछ एसिडिक हमको इंग्रेडिएंट यूज करना पड़ता है, या तो हम उसमें बटर मिल्क ले ले या फिर कर्ड ले ले या फिर हम लोग लेमन ले ले, लेकिन इसमें ऑलरेडी मिक्स रहता है बेकिंग पाउडर में, ऑलरेडी इंक्लूड द एसिडिफाइंग एजेंट. और एसिडिफाइंग जो एजेंट होता है ये होता है क्रीम ऑफ टार्टर होता है, ये इसके अंदर मिक्स होता है. इसी के साथ इसमें मिक्स होता है ड्राइंग एजेंट, यूजुअली स्टार्च, जो कॉर्न स्टार्च होता है जिसको आप कॉर्न स्टार्च के नाम से जानते हैं वो भी बेकिंग पाउडर में मिक्स होता है. तो इस तरह से ये जो कंप्लीट बनता है बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिडिफाइंग एजेंट क्रीम ऑफ टार्टर एंड प्लस कॉर्न स्टार्च, इन तीनों के मिक्सिंग से बना होता है वो होता है हमारा बेकिंग पाउडर. एंड इट अवेलेबल एज ए सिंगल और डबल एक्टिंग पाउडर.
यानी बेकिंग पाउडर जो मार्केट में मिलते हैं वो सिंगल या फिर डबल एक्टिंग पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि सिंगल बेकिंग पाउडर क्या है और डबल क्या है बेकिंग पाउडर? तो सिंगल वो होता है जो एक्टिवेटेड होता है मॉइस्चर जैसे ही मिलता है, जैसे हम डो को पानी से या फिर मिल्क से उसको हम गूंथते हैं तो उसमें क्या होता है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। लेकिन डबल में क्या होता है कि इसमें अब सिंगल जब हम बेकिंग पाउडर लाते हैं तो उसकी हमारे लिए ये शर्त होती है कि जैसे ही हमने बेकिंग पाउडर को यूज किया तो इमीडिएटली हमको उसमें उसको ओवन में डालना पड़ता है जो भी हम बना रहे। लेकिन डबल में क्या होता है कि उसको हम कुछ देर के लिए रख सकते, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डबल अगर हमने बेकिंग पाउडर डबल एक्टिंग पाउडर अगर यूज किया बेकिंग पाउडर तो उसके लिए हम उसको कुछ देर तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर वो फर्स्ट फेज में रिएक्शन देगा और उसके बाद हम जब उसको ओवन में रखेंगे तो ओवन के टेम्परेचर पर डबल बार वो उसको रिएक्शन देगा और फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इस तरह से ये डबल जो होता है डबल एक्टिंग जो बेकिंग पाउडर है टू फेज में अपना एक्शन देता है, जबकि सिंगल जो होता है वो इमीडिएट अपना रिएक्शन देता है। जैसे ही उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला, जैसे ही उसको मॉइस्चर मिला, वैसे ही क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लिबरेट हो जाती है। आफ्टर द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आई एम टेकिंग द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के तो यूज आपको अच्छे से पता है कि क्या यूज होता है इसका। इट रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टमक, जो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको भी क्या करता है रिड्यूस करता है। इट एक्ट एज एन एंटा एसिड इन डाइजेशन, इन डाइजेशन में क्या करता है ये, जब भी इनडाइजेशन होता है हमारा पेट खराब होता है तो एज ए एंटा एसिड भी इसको यूज करते हैं। और थर्ड यूज है इसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फॉर्म यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले इसमें भी क्या करता है ये यूज इसको किया जाता है। नेक्स्ट है एज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर जब बेकिंग सोडा और ये सब डाला जाता है तो उसके अंदर जो प्लांट में जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो उसमें नहीं लगते। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग केक फ्लफी एंड स्पंजी, तो ये आपको सभी को मालूम है कि केक को फ्लफी और स्पंजी बनाने में भी क्या होता है इसका यूज होता है। एज ए न्यूट्रलाइजेशन, एज ए न्यूट्रलाइजर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, यानी कोई भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है और एसिड को क्या कर देता है ये न्यूट्रल कर देता है। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा एंड कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा एंड इट्स फार्मूला इज Na2CO3 10H2O। सो 10H2O इज ए क्रिस्टलाइन वाटर एंड इट्स फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स केमिकल नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फार्मूला सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 एंड डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 एंड डेका मीन्स 10। सो 10H2O है इसीलिए इसका नाम यहाँ पर डेका हाइड्रेट है। तो इसका जो केमिकल नेम हुआ हमारा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एंड द प्रिपरेशन मेथड इज व्हेन NaCl H2O CO2 एंड अमोनिया कम्बाइन टूगेदर एंड दे फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl लिबरेट इन दिस रिएक्शन। जो आपने पहले पढ़ी है बेकिंग सोडा वाली सेम वो की वही प्रिपरेशन मेथड आपको इसमें लिखनी है, सिर्फ एक यहाँ पर इसको एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लिखनी, क्योंकि जब सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है वॉशिंग सोडा बनाया जाता है तो उसी में हमारा बेकिंग पाउडर भी बनता है, तो इसीलिए तो वॉशिंग सोडा बनाने की होती है सॉल्वे प्रोसेस और उसमें दोनों बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है और सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। तो ये जो हमने पहले जो लिखी है इक्वेशन सेम एज इट इज हम लोग लिख देंगे, तो जैसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है उसको जब हीटिंग प्रोसेस दी जाती है उसको जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 बनता है और इस प्रोसेस में H2O और CO2 गैस जो होता है वो लिबरेट होती है। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन मेथड हो गई। नेक्स्ट आई विल टेक द यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको पता है वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज होता है, टू वॉशिंग क्लॉथ एंड अदर बहुत सारी चीजों को इसको वॉश करने में भी हम लोग यूज में लाते हैं, इन लॉन्ड्री एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने में भी क्या होता है इसका यूज किया जाता है। सेकंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास जो बनाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसको यूज में लाते हैं, सोडियम सिलिकेट, पेपर, बोरेक्स, सॉप पाउडर, कास्टिक सोडा
इन सबके प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। थर्ड है एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तो लेबोरेटरी रिएजेंट का मतलब होता है लेब में यूज में लाया जाने वाला जो है केमिकल, उसको कहा जाता है लेबोरेटरी रिएजेंट। तो आपको पता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो किसी न किसी फॉर्म में लेब में यूज में आता ही है, तो इसीलिए आपको अगर यूज किसी का अगर आप भूल गए एग्जाम में तो आप एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट उसको लिख सकते हैं। फोर्थ यूज है इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी ये क्या होता है यूज में लाया जाता है।